नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं मूव मीडिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया है और तमाम तस्वीरें हम आपको उस सम्मेलन की दिखा रहे हैं जहां तमाम बिहार के दिव्यांग गण पहुंचे हुए हैं। तमाम नेता मंत्री भी इस सम्मेलन में पहुंचे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी पहुंचे और साथ ही साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तेजस्वी यादव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब इस सम्मेलन में तेजस्वी यादव पहुंचे और उन्होंने संबोधन शुरू किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। ये यहाँ पर भीख मांगने नहीं बल्कि अपना अधिकार मांगने आए हैं। और जब सभा को संबोधित करके तेजस्वी यादव वहाँ से निकलने लगे तो उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। तमाम जो दिव्यांग थे, खासकर युवा, वो तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेने के लिए मंच पड़ी। हुड़दंग मच गया था, आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पर तेजस्वी यादव को उन्हें मनाना भी पड़ा, उन्हें बोलना पड़ा कि बहुत जल्दी में है, विधानसभा का आखिरी सत्र है, जल्दी जाना है। ऐसे में भी जो तमाम जो युवा थे जो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, उनके भाषण को पसंद करते हैं, उनके समर्थक हैं, उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेने के लिए, एक फ़ोटो लेने के लिए किस प्रकार से वहाँ पर उत्सुक नज़र आए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव मंच से उतरे तो हमने उनसे बात भी की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। सर, आज विश्व विकलांग दिवस, दिव्यांग में आप उपस्थित हुए हैं। नहीं, दिव्यांग दिवस पर जो इनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। किसी से लोग भीख मांगने नहीं आए, ये तो हमारे संविधान में 700 पे जो है लिखा हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये दिव्यांग यहाँ पर भीख मांगने नहीं आए हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। और 46 सूत्री मांगों के साथ तमाम जो बिहार के दिव्यांग हैं, तमाम कई जिलों से आए हुए थे और तस्वीरें भी आपने देखी होंगी किस प्रकार से उनका भीड़ था। और सरकार के जो मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर नज़र रखी जाएगी, उनके मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि जब चुनाव हुआ था तो दिव्यांगों के लिए भी हमने अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी, हालांकि उनकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो दिव्यांगों के साथ खड़े रहेंगे। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और सरकार ने जो आश्वासन दिया है वो कब तक उसे पूरा करते हैं। आप बने रहिए मूव मीडिया के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।